एक आम ब्रिज से क्यों लोगों को चलने में आती है शर्म? एक आम ब्रिज बेशर्मी के ब्रिज में हुआ तब्दील। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करना भी एक पब्लिक राइट है? हम इस वक्त उस ब्रिज पे मौजूद है जो काफी साल जो है लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे नजदीकी जो है एक नामावर स्कूल है जहाँ के बच्चे रोज या इधर से गुजरते हैं आने जाने के, स्कूल आने जाने के समय। और साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पे पास ही में LD हॉस्पिटल है जहाँ के पेशेंट्स जो है उनको भी, वो भी यहाँ से गुजरते हैं और उनको काफी ज्यादा जो है आसानी महसूस होती है। लेकिन हम भी आज इस ब्रिज से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ पे जो है एक अलग ही मंजर जो है वो हमें देखने को मिला। आइए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला। तो नाज़रीन हम बात कर रहे हैं इन तालों की, आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बताती हूँ, वो आपको जूम करके दिखाया। ये ताले यहाँ पर भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा, और ब्रिज के कई ऐसे जगह है जहाँ पे ये ताले जो है वो लगाए गए हैं। और जब हमने ऑफ कैमरा लोगों से बात की, इनके बारे में पूछा कि आखिर ये ताले जो है ये किस चीज़ के लिए ब्रिज पे लगाए गए हैं, तो पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्म से कह रहे थे कि ये ताले जो है ये शाम के वक्त लगाए जाते हैं। और लगाते इस ब्रिज, पे जो ताले हैं लगाने वाले छोटे लड़के लड़कियाँ, और फिर यहाँ पे जो है ताले लगाए जाते हैं, मन्नत के ताले इनको कहा जाता है। तो ये मन्नत के ताले जो है ये लगाए जाते हैं इधर। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा बेशर्मी वाला माहौल जो है वो शाम को इस ब्रिज पे बना हुआ होता है, जिस वजह से बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग या हमारी माएँ बहनें जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस करती है इस ब्रिज से चलने में, क्योंकि इस ब्रिज पे शाम के वक्त कुछ अलग ही मंज़र जो हमें देखने को मिलता है। आपने देखा विजुअल्स में किस तरीके से यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि मन्नत के ताले यहाँ पे जो है लगाए जाते हैं। आप बारी है सोसाइटी की, क्योंकि आप सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या इसको, इस सब को देखने के बाद भी क्या सोसाइटी इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है या नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इस सब से जो है हमारा मुआशरा जो है वो कहीं ना कहीं जो है ख़राब होता है। आगे भी आप तक ऐसी रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। मैं ज़रका शफ़ी, कैमरा पर्सन अंस खान के साथ।